जय जोहार, जय शिवा दोस्तों। मैं दोस्तों गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के आदिवासी लड़का हूँ और आज मैं नयापाड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा घूम रहा हूँ। और अभी मैं गया था बागझोला इसी रास्ते से और इसी से यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कांता झोला वाटरफॉल जाने के लिए। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा 2 दिन बाद देखने के लिए मिलेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए अभी हम जा रहे हैं कांता झोला। अभी हम तानवट गांव से निकल चुके हैं और चल रहे हैं आगे की ओर कांता झोला की ओर। जिस रास्ते में आए थे गाइस उसी रास्ते में अब वापस जा रहे हैं और उसी रास्ते में फिर वापस हम आएंगे। अभी हम गोबरा गांव में पहुंच चुके हैं और यहां से जो आप लोगों को रास्ता दिख रहा है, अगर आप लोगों नयापाड़ा साइड से आओगे तो इसी रास्ते से है? ये वाला नहीं है, क्षमा चाहते हैं मित्रों, आगे साइड जाना पड़ेगा। हमारा गूगल मैप थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। नहीं नहीं, आगे जाके लेना पड़ेगा हमें। ये देख सकते हो तो ये है गोबरा गांव। अच्छा ये वाला शायद ये वाला नदी है शायद, वो नदी ना गाइस उधर से ही वो कांता झोला से ही आ रहा होगा। तो अभी हम वहीं जाके आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग उधर से आए और उधर से हमें लेफ्ट लेना था लेकिन हम सीधे चले गए थे और इधर से आओगे तो आप लोगों को लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा लेकिन हम फिर राइट ले लिए हैं और अभी चल रहे हैं गाइस आगे। ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रास्ता है, यहाँ पर कच्चा वाला रास्ता है। अब देखते हैं कितना दूर तक गाड़ी जाएगा, कि खतरनाक रास्ता है तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। लिस्ट तो बनाकर हम आए थे लेकिन लिस्ट तो पूरा इधर उलट पुलट हो जा रहा है गाइस, बहुत मुश्किल हो रहा है, डबल ट्रिपल राउंड लगाना पड़ रहा है। फिर मुश्किल का सामना करते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। बहुत एकदम छोटा सा रास्ता है, गूगल मैप भी यहाँ पर सहारा नहीं दे रहा है तो शायद इसी नदी को देखते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो हम देखते हुए इसी को भी देखते हुए जाएंगे गाइस, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। अब आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे गाइस। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए गाइस, बाकी हम देख लेंगे, दिखा देंगे। अरे कबाड़ा जी गए, इधर से नहीं गाइस, इधर से जाएंगे, इधर से रास्ता है शायद, हम लोग गलत रास्ता पकड़ दिए थे, ये वाला है। अगर बरसात के मौसम में आते ना गाइस तो ये पूरा ना पानी से भर जाता होगा, क्योंकि देख सकते हो पूरा पत्ता पत्थर ना पूरा चिकना हो गया है, मतलब पूरा चिकना हो गया है। ये तो पानी ज़्यादा ऐसे बहाव होने से ही ऐसा होता है। और कितना दूर चलना पड़ेगा तो पता नहीं। अभी 11:25 हो गया है। अभी तो ये करने के बाद हम लोग डायरेक्ट नयापाड़ा के लिए निकलेंगे। नयापाड़ा के बाद तो वहीं से देखेंगे कौन सा सामने हो रहा है। मैं वीडियो भी डाल दिया हूँ इंस्टा में, तो देखूँगा कौन कौन कमेंट किए तो उसी के हिसाब से शायद चल सकता हूँ। फिलहाल तो अभी मैं मोबाइल एरो मोड में डाला हूँ तो किसी का मैसेज या कमेंट चेक किया नहीं हूँ। थोड़ा सा चढ़ाव है यहाँ पे,
ज़्यादा चढ़ाव भी नहीं है। अगर आओगे तो मतलब देखो भाई, हमारे छत्तीसगढ़ से इधर आने के लिए तो बहुत दिक्कत है भाई, क्योंकि आओगे तो लोकल गाइड लेके आना पड़ता है, और लेके आओगे ना तभी वो आदमी आपको सही जगह पे पहुंचाएगा। अगर हमारे जैसे आओगे ना तो बहुत रास्ता का कंझट है दोस्तों। अब देखो हम लोग आगे वो उधर चले गए थे बागझोला, उसके बाद इधर पीछे आ गए हैं, तो इधर आगे पीछे बहुत होता है, इसलिए कभी आओ तो लोकल गाइड लेके आना, वही बेटर रहता है। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत तो थकावट लग रहा है क्योंकि सुबह से सिर्फ 4 पूड़ी खा के निकले थे ना। तो देख सकते गाइस, ये है यहाँ का वाटरफॉल, नहाने के लिए ना काफ़ी मज़ा आएगा लग रहा है, लेकिन हम नहाएंगे नहीं। ये देख सकते हो पूरा पानी ना वहीं से टपक रहा है, ये देखो कितना गजब लग रहा है गाइस। अगर पूरा बरसात के दिन में आते तो पूरा वहीं से पानी टपकता, काफ़ी लाजवाब लगता। अभी सिर्फ वहीं से बस पानी आ रहा है, बहुत फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसी के साथ साथ हर जगह पे अपना गोड़ पहचान का गोड़ झंडा यहाँ पर मैं लहरा रहा हूँ, और अपना देश का शान तिरंगा झंडा हर स्थान पे जाकर मैं लहरा रहा हूँ। आप लोग लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। अब पता नहीं मेरे आदिवासी भाइयों मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि आजकल मेरे एरिए के लड़के लोग तो मुझसे सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, जलते बहुत है और सपोर्ट करते कम है, ऊपर में सपोर्ट करते हैं और नीचे ही जलते हैं। तो गाइस इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर मैं सक्सेस हो गया तो सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो एक ना एक दिन आप लोगों को भी मेरे साथ लाके मैं खड़ा कर दूँगा। वीडियो कैसा लगा गाइस कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना राय ज़रूर देना, और ऐसे वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं दूसरे स्थान पे, दूसरा प्राकृतिक स्थल या दर्शनीय स्थल जो भी मिलेगा उसी में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार जय सेवा। और अभी हम जा रहे हैं नोआपाड़ा, नोआपाड़ा से ही देखेंगे कौन सा कितना दूर में है, उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो अभी जैसे आए थे उसी के रास्ते से जा रहे हैं, ऊपर में जाने का तो प्लान था लेकिन कैंसिल हो गया, क्योंकि टाइम का भी मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़्यादा इधर उधर होना नहीं है। जैसे आए थे जिस काम के लिए आए हैं उस काम बस निपटाना है फटाफट और चलना है। ओके गाइस, सेवा जोहार आप सभी को।